Start with the best name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Lecture number 6, chapter 1, 9th chemistry. In this chapter, we have learned a lot in the 5th lecture. We have learned a lot about matter, the idea of the matter, the classification, the substance, the idea of the element, the types of the element. Okay. Today's lecture is a simple lecture. जेको आए सैम्पल के बारे में ठीक है व्हाट इज सैम्पल सैम्पल छा थिंदी आ पर सिंपल नाउंस द एब्रिवेशन टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट और रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट दैट इज नोन एज सैम्पल ठीक है कई भी एलिमेंट जो जेकर तुम शॉर्ट वे से नालो लिखो था तो उनके पान सैम्पल चुनाव मिसाल तौर अस जैसे लिखाऊस था हाइड्रोजन जो नालो हाइड्रोजन एलिमेंट आए इन जैसे मिसाल तौर पा लिखा सैम्पल तो सैम्पल छी कैपिटल एच ठीक है जैसे सपोज पा लिखा कॉपर त कॉपर की सैम्पल जी वो आए सी यू कैपिटल लेटर पे हों उन बाद में पा स्मॉल लेटर लिखो है सी यू ठीक है इनके पा सैम्पल दिखे उन बाद में बी गाल याद रखो सैम्पल जी कड़े लैंग्वेज में वरती वही है तुस इंग्लिश में वरती वही है या केमिस्ट्री में जो सैम्पल्स असि पीरियडिक टेबल में उनमें तुस लैटिन लैंग्वेज में भी वरती हुई कुछ कुछ ग्रीक्स में वरती हुई कुछ जर्मन लैंग्वेजेस में भी सैम्पल्स हासिल कर ठीक है मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में असेंगे ये सैम्पल्स मिलन थी उनके अलावा बी गाल याद रखो सैम्पल जी मे बी वन आर टू लेटर्स ठीक है सैम्पल में हमेशा एक या ब लेटर होंगे बिन का मथे पूरी पीरियडिक टेबल में जैसे मिसाल तौर तुम एलिमेंट्स दिसो टोटल 118 एलिमेंट्स आइन उन 118 एलिमेंट्स में को भी अड़ो एलिमेंट्स तुम न मिलो जैसी सैम्पल जी टिन लेटर्स हो लेटर ठीक है बिन का मथे लेटर ना उनमें तुम जो फर्स्ट लेटर होंद दैट शुड बी द कैपिटल लेटर पहरों लेटर कैपिटल होंद उन सेकंड लेटर मौजूद आहे जी मिसाल तौर कॉपर में सेकंड लेटर आहे तो वो लेटर जो असो होजन खपे स्मॉल होजन खपे ठीक है जी मिसाल तौर में कॉपर जो लिखो है स्मॉल लेटर ठीक है हाइड्रोजन की सैम्पल में तुसो एक ही लेटर होंद हाइड्रोजन ये न चाहिए तो मिसाल तौर जैसे काथे भी जैसे सैम्पल लिखा उनमें जरूरी ब लेटर पा लिखा जरूरी ना ठीक है अगर एक लेटर आए तो कैपिटल होजन खपे अगर जैसे बो लेटर प्रेजेंट आए तो वो असो स्मॉल लेटर में होजन खपे ठीक है सपोज जैसे पा लिखाऊस तो हीलियम एलिमेंट आए हीलियम की सैम्पल पे एच ई सैम्पल होंगी है ठीक है अड़े नमूने से जैसे मिसाल तौर पा लिखाऊस तो लिथियम एलिमेंट आए पेरें ग्रुप जो जैसी सैम्पल जी पा दिंदे एल आई या उनके अलावा तुम ऐसो फ्लोरीन एलिमेंट आए फ्लोरीन की सैम्पल तुम ऐसो एफ होंगी है ठीक है अड़े नमूने से तुम सल्फर की सैम्पल ऐसो सल्फर एलिमेंट आए इनकी सैम्पल थी सिंपल एस ठीक है या कार्बन एलिमेंट आए कार्बन की सैम्पल पा दिंदे सी होंगी है ठीक है ये काफ़ी एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स जैसे मुख्तलिफ़ सैम्पल्स होंगे ठीक है एक सिंपल एब्रिवेशन है कें भी एलिमेंट्स जो नालो शो करने लाइ सैम्पल इन में मेन जो पा अज आइडिया वारा हूँ तो जी पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स उन 118 में कुछ अड़ा एलिमेंट्स जैसे नाले का हटी कर उनकी सैम्पल अचे थी मिसाल तौर जैसे तवड़ो एलिमेंट बुदाया सोडियम एलिमेंट आए सोडियम एलिमेंट की सैम्पल तो एस होजन खपे या एस ओ होजन खपे ठीक है या एस डी होजन खपे पर सोडियम एलिमेंट की सैम्पल आए दैट इज एन ए इन जो रीजन छे अज पा इतने सिखा ठीक है पे पे तो लिखम उ एलिमेंट जैसी सैम्पल चेंज आ ठीक है एलिमेंट का बाद में उनकी लिखस सैम्पल ए सैम्पल लिखण का बाद में लिखस उन नालो मीन्स किथा वरत कड़ी लैंग्वेज में वरत है सभी जेके भी एलिमेंट्स हों लैटिन लैंग्वेज जहाँ हों जो पा इनके लैटिन नेम्स लिखाऊँ लैटिन नेम उनको लैटिन नालो कहो ठीक है पेरों एलिमेंट आए फर्स्ट एलिमेंट आए सोडियम पूरी पीरियडिक टेबल में तुम्हारा पे स्टार्टिंग क्यों सोडियम का सोडियम एलिमेंट है जिनकी सैम्पल पाँदे एन ए चेंज सैम्पल आ ठीक है नाले का
तमामु मुख्तलिफ़ आए एन ए एन ए तव्हांखे ॾिसो हिते एन ए तव्हांजो किथे बि नथो मिले पाण खे न एन मिले थी न वरी ए मिले थो असां एन ए सैम्पल छो चवंदोसि एन ए चवण जो मक़सदु इहो आहे तव्हांजोसि लातिनी ॿोली जे लफ़्ज़ नेट्रियम मीन्स लातिनी ॿोली में हिनखे नेट्रियम सॾींदा हुया नेट्रियम का लैंग्वेज कोन्हे काई नेट्रियम हिकिड़ो वर्ड आहे ठीकु आहे त सेकंड एलिमेंट आहे पंहिंजी पीरियडिक टेबल में तव्हां ॾिसो पोटेशियम एलिमेंट आहे पोटेशियम जी सैम्बल नाले खां तमामु मुख़्तलिफ़ हूंदी आहे पी हुजणु खपे पर न इन जी सैम्बल आहे के इन जो रीज़न छा आहे इन जो रीज़न इहो आहे त हे लातिनी ॿोली में कैलियम सॾियो वञे पियो ठीकु आहे इन जे करे पुराणे ओल्ड मीन्स जेकॾहिं पाण केमिस्ट्री मलिया वञूंसि ओल्ड पीरियड में त उन वक़्तु उहो कैलियम सॾींदा हुया पोइ अॻिते हली करे पाण इंग्लिश में पढ़ंदो पोटेशियम पोइ वरी हुन जी सैम्बल पुराणे दौर खां वठी हलंदी अचनि थियूं ठीकु आहे ऐं थर्ड एलिमेंट तव्हांखे मिलंदो टोटल यादि रखो 11 एलिमेंट्स आहिनि टोटल 11 एलिमेंट्स जंहिंजूं सैम्बल्स मुख़्तलिफ़ हूंदियूं ठीकु आहे पूरी पीरियडिक टेबल ॻोल्हे वञो 11 खां मथे तव्हांखे कोई बि एलिमेंट न मिलंदो ठीकु आहे हाणे हलूं था पाण टे नंबर ते पाण खे एलिमेंट मिले थो टिन जंहिंजी सैम्बल हूंदी आहे एस एन इन जे करे जो हिन खे लातिनी ॿोली में स्टेनियम या किथे किथे लिखंदा आहिनि स्टेनम ठीकु आहे या हिते स्टेनम या वरी किथे किन बुक्स में तव्हांखे मिलंदो स्टेनियम हिनखे लातिनी ॿोली में स्टेनियम सॾनि इन जे करे पाण लिखंदासीं टिन जी जेकी सैम्बल आहे उहा एस एन आहे ठीकु आहे फोर्थ नंबर ते एलिमेंट आहे लीड जंहिंजी सैम्बल जेकी आहे उहा आहे पी बी इन जे करे त हिन खे लातिनी ॿोली वारा सॾंदा हुया प्लम्बम इन जे करे पढ़ंदुसि इन जी सैम्बल जेकी आहे पी एन बी ठीकु आहे फिफ्थ नंबर ते एलिमेंट आहे एंटीमोनी एंटीमोनी ठीकु आहे जंहिंजी सैम्बल छा आहे एस बी इन जे करे त तव्हां ॾींदुसि लातिन ॿोली में हिनखे छा सॾियो वञे पियो स्टेबियम ठीकु आहे यादि कंदा हलोसि छह नंबर ते एलिमेंट आहे हाणे ॾिसो हेतिरे ताईं जेके पंज एलिमेंट्स अची विया हिकु हे ॿियों हे टियों हे चोथों हे पंजो ठीकु आहे हे जेके पंज एलिमेंट्स आहिनि तव्हांजो हे पंज ई एलिमेंट जेके आहिनि ए सब ग्रुप सां वास्तो रखनि था ए सब ग्रुप टोटल ग्रुप जेके आहिनि तव्हांजो 18 आहिनि ठीकु आहे अॻिते पाण कंहिं लेक्चर में डिस्कस कंदासीं ग्रुप ते 18 ग्रुप आहिनि जंहिंमां तव्हां ॾिसो आईपेक जे मुताबिक़ 18 ग्रुप हूअं त ओल्ड जेकॾहिं केमिस्ट्री हलिया वञो 16 मिलंदा तव्हांखे आईपीएससी जेको आहे टोटल मथां ॾिसो पूरे पीरियड टेबल मथां नंबर ॾेई विया आहिनि 18 ग्रुप जंहिंखे ॿिनि हिसनि में तक़सीम कयो वियो हिकिड़ा ए ऐं ॿिया ठाहिया विया आहिनि बी सब ग्रुप ठीकु आहे हाणे जेके बी सब ग्रुप आहिनि उन जा एलिमेंट्स मां हाणे स्टार्ट कयां थो पंज तव्हांजोसि ए सब ग्रुप में बि किथे बि एमसीक्यूस अची सघे थो त जेके डिफरेंट एलिमेंट्स जी सैम्बल आहे उहा कहिड़े ग्रुप सां केतिरा वास्तो रखनि था ठीकु आहे पंज ए सब ग्रुप सां ऐं बी सां जेके आहिनि तव्हां चवंदोसि बकाया जेके आहिनि बकाया केतिरा बचनि था छह एलिमेंट्स जेके आहिनि बी सां जंहिंमें पहिरियों एलिमेंट मां लिखां थो आयरन आयरन जी तव्हां ॾिसो आयरन जी सैम्बल एफ ई आहे हुजणु त आई आर हुजणु खपे या आई हुजणु खपे या आई एन हुजे या आई ओ हुजे पर तव्हांजो सैम्बल हिन जी एफ ई इन जे करे तव्हांजोसि हिनखे लातिनी ॿोली में सॾींदा आहिनि फीरम यादि रखोसि नालनि जो लातिनी ॿोली में फीरम सते नंबर ते एलिमेंट आहे सते नंबर जेकी हाणे मां सैम्बल लिखी तव्हांजे अॻियां कॉपर कॉपर इहे तारूं मशहूरु आहिनि कॉपर जूं ठीकु आहे इन जी सैम्बल आहे सी यू इन जे करे जो हिनखे लातिन ॿोली में छा सॾींदो आहे कुपरम इन जे करे असां ॾिनोसि इन जी सैम्बल जेकी आहे सी यू आहे ऐं उनखां बाद में तव्हां ॾिसोसि अठे नंबर ते एलिमेंट आहे एट्थ वन एलिमेंट जेको आहे उहो आहे सिल्वर ठीकु आहे हिनखे त पाण सिंधी में लोह सॾींदासीं ऐं हे मे बि असां हिनखे टामो वग़ैरह सॾींदासीं ठीकु आहे ऐं हिनखे पाण चवंदासीं चांदी ऐं हे जेको आहे हूंदो आहे शीहो बैटरी जा जेके ॿ टर्मिनल्स हूंदा आहिनि उते इहो लॻल हूंदो आहे ॿ टर्मिनल्स जेके वाइट कलर जा उहे लीड जा ठहियल हूंदा आहिनि ठीकु आहे हिन जी सैम्बल ॾिसो हिन जी सैम्बल आहे ए जी ए जी सैम्बल आहे लातिनी ॿोली में इनखे सॾिबो आहे अर्जेंटम ठीकु आहे ऐं नाइन नंबर ते एलिमेंट आहे गोल्ड जंहिंजी सैम्बल छा आहे ए यू जंहिंखे सिंधी में पाण चवंदोसीं सोन ठीकु आहे इनखे लातिनी ॿोली वारा छा सिधा के त स्टूडेंट्स इनखे यूरम वग़ैरह पढ़ंदा आहिनि यूरम न आहे बाबा हे आहे आरम जीअं मिसाल तौर ते क्यूपरम हिनखे चवंदोसि आरम हे अर्जेंटम ॾिसो लास्ट में हिकिड़ी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿी बि ॿुधाईंदुमि हिते त लास्ट में तव्हां ॾिसोसि हिन जे आख़िर में वर्ड जेको यूस थिए थो आई यू एम यूस थिए थो
या वरी तव्हां ॾिसोसि यू एम मोस्टली यूज़ थींदो रहे थो आई यू एम ऐं यू एम ठीकु आहे इन जो सबबु इहो आहे त जंहिंजे लास्ट में तक़रीबन तव्हां ॾिसो तक़रीबन एलिमेंट्स में कुझु में बि थी सघंदा हेॾे होॾे पर मोस्टली जंहिंजे लास्ट में असां ॾिनो आई यू एम इस्तेमालु थिए थो यू एम इस्तेमालु थिए थो त इहे एलिमेंट जेके आहिनि इहे मेटल एलिमेंट्स काउंट थींदा आहिनि ठीकु आहे हिते तव्हां ॾिसो सभई एलिमेंट्स नेट्रियम कैलियम स्टेनम या स्टेनियम प्लम्बम स्टेबियम फीरम कॉपरम अर्जेंटम आरम इहे सॼा जा सॼा एलिमेंट्स जेके न वई तव्हांजोसि मेटल्स आहिनि अॻिते बि जेके एलिमेंट्स ईंदा उहे बि मेटल हूंदा यारहं ई एलिमेंट्स मेटल हूंदा ॾहें नंबर ते एलिमेंट आहे तमामु फेमस आहे मर्क्यूरी जेको थर्मामीटर डॉक्टर जंहिंसां बुखार चेक कंदा आहिनि उन थर्मामीटर में मर्क्यूरी वाइट कलर ते सिल्वरी कलर या वाइट कलर ते हूंदी आहे ठीकु आहे सिंधी में जंहिंखे पाण चवंदा आहियूं सिंधी में पारो ठीकु आहे इन जी सैम्बल आहे एच जी इन जो वर्ड जेको आहे थोरो डिफिकल्ट हूंदो आहे पढ़ण में हाइड्रा जायरम ठीकु आहे केतिरे स्टूडेंट्स हिनखे हाइड्रा गायरम पढ़ंदा आहिनि प्रनंसिएशन डिफरेंस आहे पर यादि रखोसि हाइड्राजायरम हाइड्राजायरम ठीकु आहे हे वर्ड आहे जेको लैटिन लैंग्वेज वारा इनखे सरींदा हुया ठीकु आहे हिन वक़्तु पाण मर्क्यूरी सरींदाऊंसि इंग्लिश जे मुताबिक़ अचोसि इलेवंथ नंबर लास्ट एलिमेंट आहे हिन खां बाद में कोई एलिमेंट तव्हांखे ॾिसो पूरी पीरियडेबल खोले करे ॾिसो अहिड़ो कोई बि एलिमेंट न मिलंदो जंहिंजी सैम्बल डिफरेंट हुजे ठीकु आहे लास्ट एलिमेंट आहे पंहिंजो टंगिस्टन पहिरीं त मां तव्हांखे ॿुधायां टंगिस्टन जेकी आहे इन जी सैम्बल जेकी आहे डब्ल्यू आहे या हिनखे पाण ॾींदासीं इनखे लाथनी ॿोरी वारा सेदा हुया वॉल्फ्रम ठीकु आहे हे बि हिकिड़ो मेटल एलिमेंट आहे पर टंगिस्टन हूंदो किथे आहे तव्हां ॾिसो बल्ब में जेकी सनी तार हूंदी आहे बल्ब जी सनी तार सफ़ा सनड़ी हिकिड़ी तार हूंदी अथव उहा जेकी आहे टंगिस्टन सॾी वेंदी आहे ठीकु आहे टंगिस्टन एलिमेंट आइडिया तव्हांजो क्लियर थी वियो हूंदो त असां सैम्पल पढ़ियोसीं हिकिड़ो सिंपल एब्रीवेशन टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट या शॉर्ट वे टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स नेम ऑफ एलिमेंट इनखे पाण सैम्पल सॾींदासीं ऐं सैम्पल्स जेके आहिनि तव्हांजो मुख़्तलिफ़ लैंग्वेज मां तव्हांखे इंग्लिश लैंग्वेजिस बि ॿुधायूं इंग्लिश हुजे या लातिनी ॿोली या ग्रीक ॿोली हुजे या जर्मन लैंग्वेज ठीकु आहे इन मुख़्तलिफ़ लैंग्वेज में वरिती आहे उन खां बाद में सैम्पल जेकी आहे हिकु लेटर हूंदो या त शर्त आहे ॿ लेटर करे बि टे न थींदा ॿी ॻाल्हि त जेके फस्ट लेटर हूंदो कैपिटल हूंदो अगरि जेकॾहिं सेकंड मौजूदु आहे त उहो तव्हांजो छा हूंदो सिमॉल जीअं हिते सिमॉल आहे हिते सिमॉल आहे हिते सिमॉल आहे ठीकु आहे अहिड़े नमूने सां हिते बि काफ़ी एलिमेंट्स पाण सिखियासीं हाणे हे जेके एलिमेंट्स पाण सिखियासीं हे उहे एलिमेंट्स आहिनि जंहिंजो नालो जेको आहे नाले खां उन जी सैम्बल जेकी आहे सफ़ा मुख़्तलिफ़ आहे तव्हांजो टोटल यारहं एलिमेंट आहिनि ए सब ग्रुप जा पंज ऐं बी सब ग्रुप जा जेके आहिनि टोटल तव्हां ॾिसोसि छह एलिमेंट आहिनि ठीकु आहे हे सिंपल आइडिया आहे सैम्बल जो सैम्बल खां बाद में तव्हां हलोसि सां जेको अॻिलो पाण जो टॉपिक आहे इहो बि ॾाढो इंट्रेस्टिंग टॉपिक आहे वैलेंसी छा हूंदी आहे वॉट इज़ वैलेंसी 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 असां कंहिंखे चवंदा आहियूं या वैलेंसी नंबर कंहिंखे सॾी वेंदो आहे वॉट इज़ वैलेंसी ठीकु आहे बेसिक टॉपिक आहिनि इन में त जेकॾहिं अगरि तव्हां हे लेक्चर ॾिसी रहिया आहियो लेक्चर नंबर सिक्स जेकॾहिं मिसाल थो ॾिसी रहिया आहियो त बहितर आहे तव्हांखे पोइ ते वञी करे पंजो लेक्चर तव्हां ॾिसो अटेंड कयो छो जो उन में जेके असां पॉइंट्स ॿुधायूं था उहे बेसिक पॉइंट्स आहिनि हे सॼियूं जेके बि फस्ट चैप्टर में सॼियूं बेसिक पॉइंट्स ईंदियूं ठीकु आहे ऐं लेक्चर नंबर तव्हां नोट करे छॾियोसि लेक्चर नंबर छह आहे पंजो लेक्चर पाण हिन में बेसिक पॉइंट्स काफ़ी कुझु पढ़ियोसीं ठीकु आहे भाउ उनखां बाद में तव्हां ॾिसोसि वैलेंसी छा हूंदी आहे वॉट इज़ वैलेंसी वैलेंसी मां सिंपल ॾिनोसि इट इज़ द पावर ऑफ एन एटम टू लूज़ आर गेन इलेक्ट्रॉन दैट इज़ नोन एज़ वैलेंसी या असां ॿी डेफिनेशन ॾिनोसि द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट with other element that is known as valency जेकी तव्हांखे यादि बि ठीकु आहे मां हिते थोरो शॉर्टली लिखी वञासि द पावर ऑफ एन एटम टू लूज आर गेन इलेक्ट्रॉन that is known as valency ya var tama valency ji bhi definition knows the combining capacity
ऑफ एलिमेंट चाहो या आइटम विथ अदर एलिमेंट।